हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम जा रहे हैं जयंती स्टेडियम, आज रिपब्लिक डे है तो, और हमारे और हमारे परिवार वाले की तरफ से आप सभी को रिपब्लिक डे की हार्दिक शुभकामनाएं। हम लोग स्कूटी में जा रहे हैं, बाकी हमारे मौसी और माँ लोग हैं जो पैदल गए हैं। चलो दिखाते हैं कि वहाँ कैसा होता है जो प्रोग्राम है वो। देखिए हमारे पीछे हम जयंती स्टेडियम पहुंच गए हैं। चलिए ऊपर चलते हैं, कौन सा प्रोग्राम हो रहा है दिखाते हैं आपको। और हाँ, देश लौट होगी और आर्थिक संरचना भी होगी। इस पार्क के महत्वपूर्ण पड़ाव का संपूर्ण विश्व में दूसरे नंबर का इस पार्क उत्पादक थी भारत। स्वाधीनता के बाद देश को किसके सवाल में उसे जोड़ने और विकास परेड में खड़े हुए हमारे भारत का उज्ज्वल भविष्य, ये प्यारे प्यारे बच्चे, सुन ली, इन्हें देखकर मैं कहना चाहूँगी बच्चे सर, हम बच्चे हैं, लेकिन फिर भाग्य नमक से उपलब्धि को अर्जित मिल जाएगा और उसके बाद एक विशाल श्रृंखला शहीद आजम खड़क से चंद्रशेखर आजाद से लेकर के गांधी द्वारा खत्म हो महात्मा गांधी के नेतृत्व में देश चल पड़ा अहिंसक आंदोलन। वो साम्राज्य जिसके बारे में ये कहावत प्रचलित थी कि सूर्य कभी नहीं डूबता, आखिरकार दुनिया में जैन हमारे सामने डूबता। विविध जाति धर्म विचारधारा मजहब के लोग परेड के विश्राम के उपरांत अब अवसर है मुख्यमंत्री यानी बांदास को आज के अवसर पर उद्बोधन। जमाने अपनी सोच बदल, मत समझ मैं तो प्यारी हूँ, दुर्गा अम्बे चंडी बनके कब मैं किसी से हारी हूँ, अबला नहीं मैं नारी हूँ, मैं एक एक पे भारी हूँ। और यहाँ स्क्वाड कमांडर निरीक्षक कार्य पूनम सिंह मंच की ओर बढ़ते हुए जिस तरह अपने कारखाने के लिए भिलाई एशिया भर में जाना जाता है, ठीक उसी तरह अपने सुंदर सौम्य भव्य और दिव्य नगर के लिए भी देश भर में जाना जाता है। इस बात का एक दृश्य यहाँ 1690 से घर घर में विद्युतीकरण हो सके, इसका अभियान इसका बीड़ा भी नगर सेवा विभाग में करते हैं, जबकि भिलाई को भेज कर भिलाई को प्राप्त करते हैं। आज इस मौके पर इन्होंने विश्व की महामारी
खत्म। अब हम जा रहे हैं घर की ओर, और भी सो गई है, घर वाले सब पहुंच गए, फोन कर रहे हैं। चलिए हम भी चलते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, और चैनल में नया हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।